हेलो मेरे प्यारे दोस्त, सबसे पहले स्वागत है आप सभी को आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के सोशल साइंस का 25 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होंगे। तो प्यारे दोस्त, मैं मॉडल प्रैक्टिस सेट के तहत आप लोगों को पूरे 10 प्रैक्टिस सेट दूंगा, 25-25 का सोशल साइंस का, उसी प्रकार से 10 दूंगा साइंस का, 10 दूंगा मैथ का, 10 नॉन हिंदी का, 10 हिंदी का, 10 मैथिली का और 10 संस्कृत का और 10 हिंदी का। इस प्रकार से जितने भी प्रैक्टिस सेट होंगे मैं आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए। तो चलिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है आप देख सकते हैं कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था। तो ये पहले चैप्टर से है, तो इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध जो था वो ऑस्ट्रेलिया था। कौन था? ऑस्ट्रेलिया। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कॉन्ट काबूर को विक्टर इमेल्यूस ने किस पद पर नियुक्त किया। तो देखिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्ट काबूर को विक्टर इमेल्यूस ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। तो प्रधानमंत्री ऑप्शन सी जो देख रहे हैं आप, वो सही आंसर है, ठीक है। उसके बाद देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है। देखिए, रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। क्या होता है? रूस का सम्राट। तो ऑप्शन डी में देख रहे हैं आप, ऑप्शन डी रूस का सम्राट, ये सही आंसर है, ठीक है। पूछेगा क्वेश्चन, जार किसे कहते हैं? तो रूस के सम्राट को जार कहते हैं, जार निकोलस जिसका नाम था उसी को जार कहते हैं। उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि कार्ल मार्क्स का जन्म जो है वो जर्मनी में हुआ था। तो जर्मनी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन में दी गई। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली किसान आंदोलन में दी गई थी। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ठीक है, बारदोली। उसके बाद देखिए, छठा नंबर क्वेश्चन है, रंपा विद्रोह कब हुआ। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि रंपा विद्रोह 1916 में हुआ था। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ठीक है। उसके बाद सातवां क्वेश्चन देखिए, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा जो है 1870 में लागू हुआ था। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, 1870। उसके बाद आठवां नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन जो है 1944 में हुआ था। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन 1944। उसके बाद देखिए, यहाँ पे नौवां क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है नौवां, कि रूसो कहाँ का दार्शनिक था। तो आप लोगों को बता दूं कि रूसो जो था वो आप लोगों का फ्रांस का दार्शनिक था। कहाँ का? फ्रांस का। तो ऑप्शन ए में जो आप देख रहे हैं फ्रांस, वो सही आंसर है। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि रूसो कहाँ का दार्शनिक था, तो फ्रांस का। उसके बाद देखिए, और जो भी क्वेश्चन दसवां है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो आप लोगों को बता दूं कि मेजनी का संबंध जो है वो आप लोगों को कार्बोनरी से था। किससे? कार्बोनरी। इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, ठीक है। तो बहुत सारे दोस्त जो है वो लाल सेना कहे होंगे, लेकिन लाल सेना नहीं कहना है आप लोगों को, कार्बोनरी कहना है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ठीक है। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है। इसमें दिया गया है कि मानव निर्मित, मानवकृत, इसके बाद यहाँ पे पुनः पूर्ति योग, इसके बाद अजैव, इसके बाद अचक्रिय। तो आप लोगों को पता होगा कि ये मानवकृत तो है नहीं सौर ऊर्जा, उसके बाद पुनः पूर्ति योग, इसके बाद अजैव है, उसके बाद क्या है तो आप लोगों का अचक्रिय है। तो मैं आप लोगों को पता कि सौर ऊर्जा जो है वो पुनः पूर्ति योग है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है, तट रेखा में कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्तक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भूगोल के पहला चैप्टर का है। तो तट रेखा में कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्तक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। तो आप लोगों को 200 किलोमीटर याद रखना है। कितना? तो 200 किलोमीटर का सही आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि देश के बांधों को पंडित नेहरू ने कहा था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका सही आंसर होगा, भारत का मंदिर कहा था देश के बांधों को। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो 14 नंबर क्वेश्चन है, कुल जल
का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि टोटल जो पृथ्वी पर जल है उसका 96.6% भाग जो है वो महासागरों में निहित है। तो 96.6 आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? देखिए दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य इसमें पूछ रहा है, तो आप लोगों को क्या कहना है? तो 15 का ऑप्शन ए जो देख रहे हैं आप, पश्चिम बंगाल, वो भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य है। पश्चिम बंगाल आप लोग याद रखें, पश्चिम बंगाल ऑप्शन ए। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में खरीफ, यहाँ पे खरीफ होगा, खरीफ फसल कौन है? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे दिया गया है गेहूं, उसके बाद सरसों, चावल, मटर। तो इसमें कौन सा होगा खरीफ फसल? तो यहाँ पे तो सब ऑप्शन लग रहा है सही, लेकिन इसमें चावल जो देख रहे हैं वो खरीफ फसल है। इसमें चावल जो है खरीफ फसल है, तो आप लोग इसे याद रखें। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है, पक्की सड़कों को लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? सबसे देखिए इस क्वेश्चन को सही से पढ़िए, पक्की सड़कों मतलब अच्छा जो पक्का सड़क बनाया गया है, लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो इसमें दिया गया है बिहार, महाराष्ट्र, सी में तमिलनाडु और डी में केरल। तो इसका जो सही आंसर होगा ना, महाराष्ट्र होगा। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र जैसे मुंबई वाला राज्य सब जो है ना, वो पक्की सड़कों में प्रथम स्थान दिया गया है, ठीक है। तो बी इसका सही आंसर होगा। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? तो यहाँ पर देखिए सड़कों का वर्ग कह रहा है, ऑप्शन में ए में दिया है कि पूर्व पश्चिम गलियारा, इसके बाद यहाँ पे है एक्सप्रेस वे, उसके बाद सी में है स्वनिर्मिंग चतुर्भुज राजमार्ग, उसके बाद यहाँ पे है सीमांत सड़कें। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए जो देख रहे हैं आप, पूर्व पश्चिम गलियारा, ये सड़कों का वर्ग नहीं है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे याद रखें। तो 19 का ऑप्शन बी जो देख रहे हैं आप, हाजीपुर, वो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार की सीमा से रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? मतलब बिहार की सीमा से रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो पहला में दिया है 6283, बी में है 5283 और सी में है 7283 और डी में है 8500। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, 6283 किलोमीटर। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो एक बार और समझ लीजिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन है। तो किसका कथन है? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये कथन जो है अब्राहम लिंकन का है। किसका? अब्राहम लिंकन का। तो बी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या है लगभग, लगभग कितनी है ये पूछ रहा है कि नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारत में मतदाताओं की संख्या लगभग कितनी है? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि भारत में मतदाताओं की संख्या जो है वो लगभग 71 करोड़ है। कितना? 71 करोड़, आप लोगों को याद रखना है, ठीक। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी व्यवस्था के फैसलों में व्यक्तिगत लोकतंत्र के परिणाम के लिए संदर्भ में सही कथन कौन सा है? यहाँ पे देखिए इस कथन को पहले पढ़ना है और इसमें सबसे अच्छा जो कथन होगा उसको आपको टिक करना है। जैसे यहाँ पे ए में दिया गया है कि गरीब देशों के आर्थिक विकास के लिए तानाशाही चाहिए, ये तो सही नहीं है। उसके बाद यहाँ पे बी नंबर है, लोकतंत्र अपने नागरिकों के बीच आर्थिक समानता समाप्त करने से पूर्ण रूपेण अर्थ असमर्थ है, ये तो थोड़ा हो सकता है। इसके बाद यहाँ पे है, लोकतंत्र विविधताओं में सामंजस्य लाने में सक्षम है। उसके बाद ये डी में है, लोकतंत्र में किसी तरह के टकराव की संभावना नहीं करती है।
तो देखिए दोस्तों, इसमें जो आप देख रहे हैं पहला तो सही, ऐसे ही गलत हो गया कि गरीब देशों के आर्थिक विकास के लिए तानाशाही जरूरत है। ये जरूरी है तानाशाही करना गरीब देशों के आर्थिक विकास के लिए? ये तो ऐसे ही गलत लग रहा है। बी में देखिए, लोकतंत्र अपने नागरिकों के बीच आर्थिक समानता समाप्त करने में पुनर्रूपेण असमर्थ है। ये तो गलत ही है, क्योंकि लोकतंत्र जो है आर्थिक समानता समाप्त करने में जो है असमर्थ तो नहीं है, समर्थ है। ठीक है, उसके बाद सी नंबर जो देख रहे हैं आप वो सही लग रहा है। सी में देख सकते हैं क्या, जैसे लोकतंत्र विविधताओं में सामंजस्य लाने में सक्षम है, ये सही है। ठीक है, विविधताओं में मतलब, विविधता मतलब क्या होता है, भेदभाव में लाने में सामंजस्य है मतलब सक्षम है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं, एक यहाँ पर दिया गया है एक एक स्तरीय, दूसरा में है दो स्तरीय, तीसरा में है तीन स्तरीय और चौथा में है चार स्तरीय। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, तीन स्तरीय। क्या होगा? तीन स्तरीय। चलिए अगला क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं और अगले क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है। ठीक, तो आप लोग देख सकते हैं 25 नंबर क्वेश्चन कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? इसमें दिया गया है यहाँ पे मोरा रजी देसाई ने, उसके बाद नीतीश कुमार ने, उसके इंदिरा गांधी और जयप्रकाश नारायण। तो आप लोगों को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। अगर आप लोगों को पता नहीं है तो मैं अगले वीडियो में ज़रूर बता दूंगा इसका आंसर। ठीक है, तो 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर दीजिए, और नहीं पता है तो कमेंट कर दीजिए कि इसका आंसर मुझे पता नहीं है, तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में 25 और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।